सभी पार्टियां अपना अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी 32 पेज का संकल्प पत्र जारी किया चंडीगढ़ में, और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में घोषणा पत्र का विमोचन किया गया। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो का टाइटल मारे सपनों का हरियाणा रखा है। घोषणा पत्र के लिए बीजेपी को 1.70 लाख सुझाव मिले थे, फिर समिति ने 200 सुझावों का चयन किया और उन्हें घोषणा पत्र में शामिल कर लिया। सीएम मनोहर लाल ने कहा, हमने कुछ ऐसे भी काम किए हैं जो हमारे घोषणा पत्र में नहीं थे, जैसे पढ़े लिखे पंचायत को शुरू करना एक बड़ा फैसला था। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसे खत्म करने की बात कही है, ये उचित नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। सीएम ने कहा कि खिलाड़ियों को मिलने वाली सम्मान राशि देश और दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमने राय में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि संकल्प पत्र राम राज्य के सिद्धार्थों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हमने अपने पिछले संकल्प पत्र के तहत भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी प्रशासन मुहैया करवाई थी। बीजेपी ने संकल्प पत्र के तहत किसानों को हर फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करने का वादा किया है। SYL के मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने की बात कही है और स्वरोजगार मंत्रालय का गठन होगा। 500 करोड़ रुपए खर्च करके 25 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने की बात भी संकल्प पत्र में कही गई है। साथ ही प्रदेश के हर गाँव में दैनिक बस सेवा सुनिश्चित करने का वादा किया है। सीएम मनोहर ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में झूठे लुहावने वादे किए गए, लेकिन हमारे वादे सब पूरे होने वाले हैं। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता से वादे किए। अब देखना होगा कि हरियाणा की जनता बीजेपी के संकल्प वादों से प्रभावित होगी कि नहीं। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।